जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, भट्टाबस्ती इलाके में पकड़े गए पिता पुत्र, दोनों से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई, करीब 1,20,00,000 की बताई जा रही हेरोइन की कीमत। भट्टाबस्ती थाना पुलिस और DST ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। अब हेरोइन का सैंपल भेजा जाएगा FSL, FSL से रिपोर्ट आने के बाद जांच शुरू होगी। बड़ी खबर और बड़ा एक्शन, क्योंकि जो हेरोइन बरामद की गई है वो लगभग 800 ग्राम और करीब 1,20,00,000 रुपए हेरोइन की कीमत बताई जा रही है, और यही वजह कि भट्टाबस्ती थाना पुलिस और DST ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अब FSL को सैंपल भेजा जाएगा। FSL से रिपोर्ट आने के बाद जांच शुरू होगी। लेकिन सवाल यही कि जो 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है वो कहां से ली गई, कहां सप्लाई होनी थी, इस चेन में और कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ पिता पुत्र 1 करोड़ से ऊपर की हेरोइन का अकेले सप्लायर नहीं हो सकता। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके। सत्यनारायण, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि कहां से हेरोइन आई, कहां यह हेरोइन जानी थी, इस चेन में कौन कौन जुड़ा हुआ है, मानकर चले कि पिता पुत्र के जरिए इसका खुलासा होगा। बिल्कुल विजेंद्र, पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो वस्तु मिली है 800 ग्राम और हेरोइन बताई जा रही है 1,20,00,000 रुपए कीमत बताई जा रही है। जो दलाल है उस दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी शुद्धता की जांच के लिए इसका जो सैंपल है वो FSL भेजाया गया है, जिससे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का अनुमान हो सके और जो अधिकारी है, पुलिस के अधिकारी, वो पूछताछ करते हैं की आखिरकार ये नष्ट का जो सामान है वो कहाँ से लेकर आए थे और जयपुर में इनको कहाँ सप्लाई करना था, क्योंकि 800 ग्राम जो हीरोइन होती है विजेंद्र काफी महंगी हीरोइन आती है। 800 ग्राम की कीमत 1,20,00,000 रुपए है, तो माना जा रहा है कि और भी नशे खेप जयपुर हो सकती है। ऐसे में DST जयपुर शहर के अनेक इलाकों में दबिश दे रही है, जिससे की जो नशे के सौदागर है उनको गिरफ्तार किया जा सके। विजेंद्र, और इनको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सूचना कैसे पुलिस तक पहुंची? DST के जो प्रभारी हैं उनको ये पास सूचना है कि भट्टाबस्ती इलाके में कोई व्यक्ति है जो कि हेरोइन की तस्करी करता है। उसके बाद भी करीबन 3 दिन तक लगातार उसकी जांच की गई, उसकी पुष्टि होने के बाद में कल रात को तबिश दी गई। तबिश देने के बाद में एक पैकेट के अंदर हेरोइन छुपा रही थी, लेकिन उस हेरोइन की पुष्टि नहीं होती। ऐसे में FSL को मुख्य बुलाया गया, FSL ने मुख्य पहुंचा और उसकी शुरुआती जाँच की, तो हेरोइन ही लगी वो, उसकी मूल्य आंका गया। उसके बाद में 1,20,00,000 रुपए का मूल्य बताया गया। फिलहाल FSL के अधिकारी और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं। सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।